मुकेश चंद्रशेखर के मामले के अंदर यहाँ पर 200 करोड़ की ठगी का मामला है ये, वहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस फंसती नजर आ रही है और उन्हीं के साथ एक बड़ी ए लिस्टर जो एक्ट्रेस है जो कि फिलहाल बहुत ही चर्चा में रहती है वो है नूरा फतेही, वो भी इस मामले में फंसती नजर आ रही है। पहले जैकलिन फर्नांडिस ने इसके ऊपर काफी झूठे बयान दिए हुए थे बट आखिर में ईडी ने उनके चैट्स और उनके फोटो को लीक करके लोगों के सामने सच्चाई लाई थी और उसके बाद में नूरा फतेही जो है उन्होंने भी काफी चीजों को नकारा हुआ है बट अभी जो उनके जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आती नजर आ रही है। ये जो चीजें सच्चाई लोगों के सामने आ रही है वो उनके जो चार्जशीट है और जो सवाल जवाब सुकेश चंद्रशेखर और नूरा फतेही से की गए थे उसके ऊपर आ रही है क्योंकि ये एक ही सवाल दोनों को किया गया था और दोनों ने इसका अलग अलग जवाब दिया हुआ है, जहां पे नूरा फतेही ने हर किसी जो सवाल को है नकार दिया हुआ है और उसका टोल मटोल कर जवाब दिया हुआ है और हर किसी सवाल से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, वहीं पर सुकेश चंद्रशेखर ने सारी चीजों की सच्चाई सामने रखी है। BMW जो कार सुकेश चंद्रशेखर ने नूरा फतेही को जो गिफ्ट दी थी वहां पे नूरा फतेही से ये सवाल पूछा गया था तो ये गिफ्ट आपको कब दिया गया था, क्यों दिया गया था और ये आपको गिफ्ट दिया था भी या नहीं दिया था, तो नूरा फतेही ने ये कहा है कि ये गिफ्ट उन्हें नहीं दिया गया था, उन्हें गिफ्ट को नकार दिया था तो उनके बदले बॉबी जो खान है जो कि नूरा फतेही के फैमिली फ्रेंड है उनको ये गिफ्ट दिया गया था। और सुकेश चंद्रशेखर ने यह सवाल के जवाब में कहा है कि जो BMW है नूरा फतेही को ही दी गई थी क्योंकि उन्हें BMW पसंद थी, ना कि बॉबी खान को दी गई थी। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आपको काफी सारे महंगे गिफ्ट दिए गए थे तो ये आपको इसके ऊपर आपको क्या कहना है। इसके अंदर नूरा फतेही को गुची के जो काफी सारे जो बैग्स दिए गए थे और आईफोन भी दिया गया था तो इसके ऊपर नूरा फतेही ने कहा है कि उन्हें एक बैग ऑफर दी गई थी और उन्हें आईफोन भी दिया गया था पर एक इवेंट को अटेंड करने के बदले उन्हें दिया गया था, जहां पे सुकेश चंद्रशेखर ने ये बताया है कि ये चीज नूरा फतेही ने ही चॉइस की थी और मुंबई के मॉल से जिसको खरीदा गया था और बाद में ये चीज की जो डिलीवरी ली गई थी जो नूरा फतेही के जो असिस्टेंट थे उन्होंने। तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि हाल ही में उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई संपर्क रहा है क्या नहीं, जो कि है दिसंबर 2020 के बाद, जो कि नूरा फतेही ने उन्हें मना कर दिया है कि उनका कोई भी संपर्क नहीं था, बातचीत नहीं हुई थी और सुकेश चंद्रशेखर ने यह बताया हुआ है कि फरवरी तक वो संपर्क में थे और उनसे बातचीत भी हुआ करती थी। उन्होंने बॉबी खान को संपर्क करके ये भी पूछा था कि नूरा फतेही वो कार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है, तब बॉबी खान जो कि फैमिली फ्रेंड है नूरा फतेही के उन्होंने बताया था कि वो जो कार है BMW वो सर्विसिंग के लिए गई हुई है। तो इसी प्रकार से 200 करोड़ के जो मामला है उसके ठगी के अंदर जहां पे जैकलिन फर्नांडिस तकरीबन फंस चुकी है वहां पे नूरा फतेही भी काफी ज्यादा झूठ बोल रही है।